उधर नोएडा में अपराध तेजी से पैर पसारता जा रहा है। अब ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 58 का है, जहां महज 500 रुपए के लिए हत्या को अंजाम दिया गया। यहां एक ठेले वाले को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या इसलिए अंजाम दी गई क्योंकि ठेले वाले ने बदमाशों को 500 रुपए देने से इनकार कर दिया था। आस मोहम्मद नाम का शख्स फास्ट फूड का ठेला लगाता था। जब घर से आस मोहम्मद निकला तो चार लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और उससे 500 रुपए मांगने लगे। आस मोहम्मद ने इनकार किया तो उसे पकड़कर बदमाश अपने साथ ले गए, उसके बाद उसकी हत्या कर रास्ते में फेंक दिया। मृतक के घर वालों ने थाने में केस दर्ज करा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चौमिन का काम ये करता था, रात ये वो लेने आया गोभी जो घिसके चौमिन में डालते हैं, और इन लड़कों ने इसे ले जाके और इसको मार लिया। विवाद तो यही है, टेम्पो में जो झगड़ा हुआ था, समझे इसकी आंख फाड़ दी थी पहले। बदमाश लोग है ये। दिनों आलू प्याज महंगा और जिंदगी सस्ती हो गई है। कभी किसी अफवाह पर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी 200-400 रुपए के लिए किसी मासूम का कत्ल कर दिया जाता है। कम से कम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यही हालात हैं। ताजा मामला सेक्टर 58 थाना क्षेत्र का है, जहां एक नौजवान को महज 500 रुपए के लिए कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी भी वो कातिल तक नहीं पहुंच सकी है। वीडियो जर्नलिस्ट फैजल के साथ बदीउज़्ज़मान, गौतम बुद्ध नगर, समाचार प्लस।